एनएस कंसर्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि 22 जनवरी 2023 को जो डीएचएस का एग्जाम हुआ था उनके किस किस टाइप के सवाल आए हैं। जब देखा गया तो इसमें देखा गया कि बहुत इजी सा सवाल आया है, तो इसमें हम इसका सभी क्वेश्चन का सटीक एक्सप्लेनेशन करेंगे, जो कि आप इसको मिलाकर देखें कि आपका कितना नंबर आ रहा है। और स्लाइड के अंत में हम बताएंगे कि इसका जो है कि कितना कट ऑफ रह सकता है। ठीक, तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है विच इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो ये तो मोस्ट पॉपुलस कंट्री तो चाइना है। चाइना फर्स्ट नंबर पर आता है अकॉर्डिंग सेंसस कब का, 2011 के अनुसार, है ना। तो चाइना के बाद आता है इंडिया, है ना, क्लियर। तो नेक्स्ट दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल आपका है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका। देखिए श्रीलंका की राजधानी से क्या है, श्री जयवर्धनापुरा कोट्टे, लेकिन यहाँ पर तो है नहीं, तो ये क्या है, कोलंबो। कोलंबो दिया है तो कोलंबो मार देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल में है क्या, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड। भारत रत्न अवार्ड जो मिला सबसे पहले मिला जो, तो इंदिरा गांधी को मिला, महिला में, है ना, महिला में किसको मिला, इंदिरा गांधी को, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हु इज द अदर ऑफ द बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लिख जो लिखे हैं थे जवाहरलाल नेहरू लिखे, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल है कि हु वाज द फर्स्ट वुमन इन स्पेस, है ना। पहला जो सबसे पहला जो स्पेस में गए थे कौन गए थे, तो यूरी गागरिन गए थे, मेजर यूरी गागरिन। नेक्स्ट चलते हैं। तो अगला सवाल जब बढ़ते थे हम देखते हैं कि हु वाज द फर्स्ट फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन। सिख रिलीजन के प्रथम संस्थापक कौन थे, तो गुरु नानक देव थे, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं लौह पुरुष भारत के, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसके स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बना हुआ है कहाँ, गुजरात में, 182 फीट का लगभग, ठीक है, मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं व्हेन इज द टीचर्स डे सेलिब्रेट। आप लोग टीचर्स डे जो मनाते हैं किस दिन मनाते हैं, 5 सितंबर को मनाते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। इसके आगे जब बढ़ते हैं तो हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स वाज नॉट अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन ऐसे इसमें चार में से कौन ऐसे एक है जो कि राष्ट्रपति नहीं रह सके चुके हैं। नीलम संजीवा रेड्डी, ये तो बने थे, है ना। ये जो कि नीलम संजीवा रेड्डी ऐसा था कि जो कि द्वितीय मतगणना के दौरान चुने गए थे। ज्ञानी जैल सिंह, ये जेवी बीटो का प्रयोग किया था डाक विभाग पर, बहुत खतरा जो है कि इनका कार्यकाल रहा। के आर नारायण, ये भी रहे हैं। उमा भारती लेकिन नहीं रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, उमा भारती, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इसके आगे जब बढ़ते हैं तो हम देखते हैं क्या कि वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो जिनेवा में है, WHO का, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसके आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं हु अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट। तो देखिए कोई भी सीएम को करेगा, यानी स्टेट में जितना भी अपॉइंट करता है तो ये गवर्नर करता है, है ना, राज्यपाल। और सेंट्रल में जो भी अपॉइंट का जिम्मेदारी होता है वो प्रेसिडेंट को होता है, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, गवर्नर ऑफ द स्टेट हो जाएगा, क्लियर, है ना। सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन डबल हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है वेयर इज द गोल्डन टेम्पल ऑफ सिख सिचुएटेड। सिख धर्म का जो अमृतसर जो कि पंजाब में होता है, पंजाब में है, है ना। आगे इसके अगला सवाल जब देखते हैं तो अगले सवाल है क्या, व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ चेन्नई। चेन्नई का पुराना नाम था मद्रास, है ना। मद्रास तीन प्रेसिडेंसी हुआ करता था, कौन, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी। चलिए अच्छा भाई, मद्रास कोलकाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन विच इंडियन स्टेट इज द नर्मदा नेशनल पार्क से, नामदफा नेशनल पार्क सिचुएटेड। नामदफा जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, तो इसके अगले सवाल में जाते हैं तो हु वाज द लास्ट मुगल एम्पायर। मुगल सम्राट लास्ट था बहादुर शाह जफर द्वितीय था, ठीक है, जो कि 1857 में की क्रांति जो हुई तो उसी समय इसको रंगून भेज दिया गया, है ना। आगे बढ़ते हैं।
ये विद्रोह न कर पाए। हु एस्टेब्लिश द मौर्य डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी को किसने किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि ड्यूरिंग विच रूल डिड द चाइनीज पिलग्रिम वेन सांग विजिट इंडिया। वेन सांग जो आए थे ना हर्षवर्धन के काल में आए थे। ठीक, इसके आगे जब बढ़ते हैं हम लोग, जब इसके आगे बढ़ते हैं तो हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। इंडिपेंडेंट इंडिया के प्रथम प्रधानमंत्री आपके थे जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, कौन है तो जवाहरलाल नेहरू थे। आपका क्वेश्चन देख रहे हैं भारी है कि हल्का, डिसाइड करते चलेंगे। ठीक है, हु वन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। देखिए पानीपत की प्रथम लड़ाई जो हुई थी ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, लेकिन जीते थे कौन, तो बाबर जीता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तभी से मुगल शासन जो है कि भारत में हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल कोल नहीं है, कोल नहीं है फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल नहीं है, नेचुरल गैस नहीं है, फॉसिल फ्यूल वेजिटेबल ऑयल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर कम्बसन, है ना, कम्ब्यूशन, कम्ब्यूशन का लिए जो है कि एसेंशियल होता है आपका ऑक्सीजन होता है। ठीक है, नाइट्रोजन नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी और सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले में, जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि द न्यूक्लियस ऑफ अ लिविंग सेल कंटेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, जो कि जीवित जीव होता है ना, लिविंग सेल जो कि जीवित सेल हुआ करता है उसमें कौन सा नाभिक पाया जाता है ना, तो इसमें से क्रोमोजोम पाया जाता है लिविंग सेल में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, ओवरी ये तो है, फेलोपियन ट्यूब ये भी है, ब्रेस्ट, ब्रेस्ट कैसे होगा, ये यूटेरस है, गर्भाशय भी है, लेकिन ये नहीं होगा, तो आंसर कौन सा होगा मेरा, ब्रेस्ट। आगे जब आगे बढ़ते हैं हम लोग तो देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तलोथ दिया कुंटा सोई सोचा, तो इसमें हम देखते हैं क्या कि साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू लिक्विड, कहते हैं देखिए साउंड जो कि लिक्विड में चलता है पानी में तो आवाज सुनाई देता है, तो ये तो नहीं होगा। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू गैस, गैस के द्वारा भी तो मिलता है। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू सॉलिड, सॉलिड में तो और ज्यादा मिलता है। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, वैक्यूम में कभी साउंड जो कि दूरी तय नहीं कर पाएगी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा मेरा, वैक्यूम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा जो है, तो प्लास्टिक तो हो ही नहीं सकता, रबर हो ही नहीं सकता, ग्लास, ग्लास भी इतने होगा, कॉपर होगा, है ना, गुड कंडक्टर कौन सा होगा तो कॉपर होगा। आगे बढ़ते विच, अब अगले जब क्रम में चलते हैं देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन आई, ह्यूमन आई का कॉर्निया तो है, रेटिना भी है, टीयर आंसू, आंसू कैसे पड़े, लेट्स भी आंख में होता है, आंसू जो है कि नहीं है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, टीयर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लैनेट ऑफ द सन, साइरस तो प्लैनेट है नहीं है जी, मरकरी सैटर्न अर्थ है, लेकिन यही नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा, साइरस। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल मेरा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर कौन सा है, कॉटन है सिल्क है जूट है ना, रेयन नहीं है सिंथेटिक फाइबर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि द सिनोनिम ऑफ एफेक्शन, अब इंग्लिश आ गया जी, देखिए एफेक्शन मतलब प्यार, स्नेह, स्नेह या प्यार, स्नेह या प्यार को क्या कहेंगे, लव नहीं कहेंगे, हो जाएगा क्या आंसर, बी। क्लियर, नेक्स्ट है इसके अगले सवाल पर जब चलते हैं तो फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ही कुड नॉट, देखिए कुड, देखिए यहाँ कुड है क्या, मॉडल वर्ब है, कौन कुड मॉडल वर्ब है, मॉडलों के बाद हमेशा वर्ब का पहला रूप आता है
ना। तो यहाँ देखिए तो कंप्लीटेड नहीं होगा, कंप्लीटिंग नहीं होगा, कंप्लीट्स नहीं होगा, भी वन यहीं पर है कंप्लीट। आंसर क्या हो जाएगा 32 का? ए। क्लियर है? नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं हम जब, तो कंप्लीट द फॉलोइंग इंग्लिश प्रोवर्ब। ये देखिए ये प्रोवर्ब है, कहावत है ना। ये तो आपको एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, है ना, ये आपका हेल्दी एन एप्पल हो जाएगा। एन एप्पल ये तो याद किए होंगे आप लोग, है ना, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, है ना। खाना ठीक, खान पान ठीक रहेगा तो डॉक्टर रोग व्यास से दूर रहिएगा आप। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द अपोजिट जेंडर ऑफ ब्राइड? ब्राइड मतलब होता है क्या, और ग्रूम मतलब क्या होता है, दुल्हा दुल्हन वाला कहानी है ब्राइड और ब्राइड ग्रूम, ठीक। चलिए, ब्राइड मतलब होता है दुल्हन, ग्रूम मतलब होता है दुल्हा। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं, तो अगले क्रम में जब हम देखते हैं तो अगला सवाल है, व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ ड्राइव? ड्राइव का पास्ट टेंस होता है ड्रोव। ड्रोव कितना जगह गलत बता दिया, ड्राइवन। ड्राइवन तो थर्ड फॉर्म है ना, DRIVE। ड्राइव का होता है, आप चेक कर लीजिएगा, कहीं गलती बताया तो हमको गलत नहीं करेंगे, इसका होता है ड्रोव, थर्ड होता है ड्राइवन। तो पास्ट, ये देखिए प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म चौथा होता है, आप प्रेजेंट टेंस फिर होता है P5, ठीक है, समझे कि नहीं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड रुकेंगे, यहाँ कुछ गड़बड़ी हो गया है थोड़ा सा, एक सेकंड रुकेंगे, एक सेकंड, थोड़ा सा रुकेंगे, जस्ट एक सेकंड, यहाँ थोड़ा सा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, कुछ परेशानी आ गई थी, ठीक। चलिए, तो अगला सवाल है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट प्रीपोजिशन। सी हैज बीन राइटिंग वेटिंग सिंस 5 o'clock। देखिए एग्जैक्ट टाइम रहेगा, देखिए 4 लगता है पार्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और सीन्स लगता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। तो आप यहाँ पर क्या दीजिएगा, सीन्स दीजिएगा 8, पक्का जो है ना, यहाँ 5 बजे से एकदम पक्का, तो एग्जैक्ट टाइम बता रहा है ना, तो सीन्स 5 o'clock हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ आवर रह जाता है इस जगह 5 आवर, तो यहाँ 4 हो जाता है, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा मेरा, सीन्स हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, अब अगला सवाल है कि व्हाट इज अ ग्रुप ऑफ लायन कॉल्स, इसको प्राइड कहते हैं, शेर के झुंड को प्राइड कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अगला सवाल है, अ पर्सन हु कट्स एंड सेल्स मीट इज कॉल्ड। देखिए भाई, जो कि मीट को काटता बेचता है ना, उसको कहते हैं हम लोग बुचर, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसके अगले सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अ लायन क्राइज, अ डंकी मूव्स, अ हॉर्स स्निफ, ए क्यू ब्रेस। देखिए ये लायन क्राय नहीं करता है जी, ये रोर करता है, ये रोर, ROAR, रोर, यानी ये ही तो गलत है, समझे, सभी सही है, टंकी मुंह करता है, नहीं करता है, ये ब्रे करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेंगे इसमें गलती नहीं था, जो कोई इसको गलत कह रहा है वो गलत नहीं है, आप समझे उसको। व्हाट इज द हाउस ऑफ डॉग कॉल्ड, ये कैनल कहा जाता है इसको, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अब हमारा मैथ आ गया जी, चलिए मैथ देखते हैं। तो ये तो बहुत सारा बहुत ईजी सवाल था, माइनस माइनस यही तो खत्म कीजिए, प्लस हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 4 चौके 16, है ना जी, 4 चौके 16, 4 4 16। अब हम क्या करेंगे, 5 3 गुना 15 कर देंगे, 3 3 3 3 9, 9 9 खत्म हो जाएगा, तो 7 2 गुना क्या हो जाएगा मेरा, 14। अब बताइए तो कितना हो जाएगा, तो 2/4, तो 2 1/2 आ जाएगा, 1/2, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, इजी था एकदम, कोई परेशानी शायद आपको नहीं हुआ होगा बनाने में, हमारे बच्चे लोग तो फोड़ के आए हैं इसको, 46 48 44 करेक्ट एकदम मार के आए हैं, तो इसमें से बड़ा खुशी हुई कि आप लोग मैथ को छोड़े ही नहीं। द सम ऑफ टू नंबर इज 74 और वन ऑफ द नंबर इज 10 more than the other। देखिए जैसे ही बोलेगा ना, डिफरेंस जहाँ मिला तो बड़ा संख्या
छोटा संख्या हम ग्रेटर नंबर है स्मॉलर नंबर आराम से निकाल सकते हैं। दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा, 84, 84 का आधा होता है 42, इसमें से अब घटाइए कितना आ जाएगा 64, इसका आधा होता है 32, 42 32 हो गया आंसर, 42 एंड 32 आंसर हो गया, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सवाल में कोई दम ही नहीं था, ये जी सवाल आया था, कहता है कि द पेरीमीटर 32 सेंटीमीटर, देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में दो लंब दो 2 × L + B होता है कितना, तो ये 13 है, तो अब बताइए कि L प्लस बी मिलके तो 13/2 होगा, 13/2 होगा, है ना। तो इसमें से अगर विड्थ दिया हुआ है 2 3/4, तो 4 2 × 8 = 11/4 को अगर घटा देंगे तो बताइए कि ब्रेथ घटा दिए तो लेंथ नहीं आ गया जी, तो 13/2 में अगर हम 11/4 घटाएंगे तो यहाँ दोनों को बराबर करेंगे तभी ना, इतना 26 में 11 जाएगा कितना बचेगा 15/15/4, यानी कह सकते हैं कि 4 3 12 3 15/4, 3 3/4 जहाँ पर होगा मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, और देखिए मैथ में कोई दम ही नहीं था इसमें, है ना, हमारे जितने रेलवे के एस्पायरेंट सभी लोग तो कलम भी नहीं लगाया होगा, उड़ा दिया होगा इसको, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इन राइट एंगल ट्रेंगल लेंथ एंड हाइपोटेंस एंड साइड आर 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, देखिए जैसे रहेगा पाइथागोरस ट्रिपलेट ट्रिपलेट लगाइए, है ना, ये 5 है, ये 3 है, तो ये 4 होगा, सीधा 4 मारिए जहाँ पर होगा आंसर निकल जाइए। पाइथागोरस ऐसा नहीं, जिसको पता नहीं है तो 5 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर कीजिए, रूट कीजिए, 16 हो जाएगा, 16 का होता है 14, 16 का होता है 4, रूट से निकलेगा आंसर 4, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट सवाल मेरा है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच 2028 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, देखिए 2028 रहेगा तो इसको करना कैसे पड़ता है, इसको तो 3 होगा आंसर, देख के ही लग रहा है 3 होगा, क्योंकि इसको 3 से गुना करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा, है ना। चलिए 4 से कटाते हैं, 4 5 20 0 4 7 28, अब इसको हम लोग 3 से कटाएंगे तो कितना होगा, 3 × 3 या 2 बचेगा, 3 × 6 = 18, 3 × 9 = 27, तो देखिए ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का ही गुना करना है, 3 का जोड़ा लगाना है, है ना, तो यही 3 जो होगा क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल मारवे को आप, द प्राइस ऑफ ए स्कूटर वाज 3400, ठीक है, 1000 है जी, और 20% बढ़ गया था, 120, 100 रुपया में 20% बढ़ गया होगा, है ना, 2 0 यहाँ का खत्म कर दीजिए, 34 × 12 कीजिए, इधर देखिए 2 0 और यहाँ 1 0, 3 0 चिपका दीजिएगा, 3 0 लगा दीजिएगा, 34 × 12 जब आप कीजिएगा कितना आएगा 408, 2 × 8 34 × 12 = 48 × 36 कितना आ जाएगा 408 हो जाएगा, 408000 होना चाहिए आंसर, ठीक है, आप गुना करके देखें तो उतना आना चाहिए कि नहीं, देख लें मेरे भरोसे में ही नहीं रहे, हो सकता है। चलिए यही होगा आंसर, ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अब आप इसको देखिए कितना इजी सवाल दिया था, देखिए दोनों का बेस अगर सेम है तो पावर प्लस हो जाएगा, तो -3 पर कितना हो जाएगा m+1 + 5 = 3 पर -3 पर पावर कितना हो जाएगा 7, 3 ए माइनस माइनस कैंसिल, तो जबकि ये बराबर होगा पावर भी बराबर होगा, तो m+6 = 7, तो m बराबर मेरा क्या हो जाएगा 7 - 6 = 1, आंसर क्या हो जाएगा 1, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला सवाल है कि 15 मैन कैन डू, देखिए 15 आदमी किसी काम को कितना दिन में कर सकता है जी, 15 वर्कर, तो 15 वर्कर किसी काम को कर सकता है कितना दिन में, 48 दिन में, तो कहता है 30 वर्कर कितना दिन में कर, 30 से भाग दे दीजिए, 15 2 × 30, 2 से कटाइए 24 आ जाएगा, है ना, 24 वर्कर कर लेगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल है मेरा, नेक्स्ट सवाल है क्या कि द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर्स पार्ट, 5 मीटर का दाम है कितना 210, तो 13 मीटर का मूल्य कितना हो जाएगा, तो आंसर निकालना था, तो देखिए 5 से कटाइएगा 5 × 20 और 5 2 × 10 = 42, 42 तो हम सीधा 13 × 40 इसको गुना कर लेंगे ना इससे, 13 × 42 करेंगे, 13 × 52
520 13 दुगुना 26, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 546 हो जाएगा मेरा आंसर। 546, 546 कहीं पर है तो ऑप्शन नंबर सी में मेरा है 546। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इसके आगे सवाल जब हम चलते हैं तो व्हेन टू डिजिट नंबर्स आर 60 इज रिवर्स अ न्यू टू डिजिट नंबर इज फाउंड व्हिच इज 63 मोर देन द ओरिजिनल नंबर, व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। देखिए आप ना, कहता है कि जब संख्या को पलटी मार दिया जाए तो उसका 63 दोनों के अधिक हो जाता है, यानी अधिक मतलब क्या, दोनों के बीच का अंतर 63 रहा होगा है ना जी, तो 25 और इसको उल्टाएंगे तो 52, कभी भी 63 आएगा, इतना बड़ा बन ही नहीं सकता है। 36 करेंगे 36, 36 करेंगे 93 करेंगे, कितना होगा इसका, 13 में 6 जाएगा, 7, 7 यहाँ पर तो 63 देना चाहिए तो आ ही नहीं रहा है। 28 कर दीजिए, 28 कीजिएगा, 82 करना पड़ेगा, 12 में 8, 4 12, 4 आ रहा है यहाँ, 3 आना चाहिए, गलत हो गया ये भी। अब ये 29 का ही आंसर होगा एकदम परफेक्ट। अब देखिए 29 है तो इसको 92 पलट दीजिए, 12 में 9 जाएगा 3 बचेगा, यहाँ 8 में 2 जाएगा 6 बचेगा, 63 इसी का डिफरेंस दे रहा है, आंसर हो गया डी। क्लियर है ना, और सवाल तो शायद अब सवाल नहीं है। तो मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ, आप यकीन माने या ना माने, लेकिन मैं कहता हूँ कि मेरा अंदाज़ा लगभग सही जाता है। अब इतना तो वरदान लेके तो नहीं आए हैं, लेकिन आशा करते हैं कि सटीक जो है ना बैठे। तो उसी आधार पर हम बोलना चाहते हैं कि इस बार का कट ऑफ जो है, हम समझते हैं कि 70 नीचे है ना, ऊपर हमारा लगता है क्या कि 92 तक पहुंच सकता है कट ऑफ, ठीक है, क्योंकि सब इसमें इतने नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी और अच्छे सब बच्चे जो है ना 48 भी करके आए हैं, तो 48 सभी ने कर सकता है, क्योंकि जो पढ़ा रहेगा वही कर पाएगा। क्वेश्चन अगर इजी भी रहने पर ना, तो फिर भी जो है कि 3-4 गलती हो ही जाता है, अगर 4-5 ही गलती अगर पकड़ लेते हैं, 5 दोगुना 10, फिर भी 90 है। अगर 90 तो मैक्स बढ़िया स्टूडेंट का हो गया जी, जो अच्छा बनाता है, जो स्टूडेंट की थोड़ा सा वीकर सेक्शन से आता है, जो कि थोड़ा बड़ा पढ़ा है, तो उनका अटेम्प्ट कम से कम, मैंने देखा एवरेज अटेम्प्ट जो है मेरा, बहुत सारे बच्चे ने एग्जाम दिया उसका एवरेज अटेम्प्ट देखा जो कि वीकर सेक्शन से था, वो भी उन 38 लगभग जो है कि किया है। 38 to 48 का जो है कि ये है, तो 38 और 48 का अगर एवरेज निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 38 का और 48 का एवरेज मान लीजिए 40, और यहाँ पर भी यहाँ पर मान लीजिए 50, 50 और 40 अगर पकड़ते हैं तो 95 होता है, 90 का हाफ होता है 45, 45 दुगुना 90 तो ऐसे पहुंच जा रहा है। तो 90 नहीं मानकर हम इसको लेकर चलते हैं कितना, 70 to 92 कट ऑफ रहने वाली है ना। तो अब जो एग्जाम दे दिए उसके बारे में माथा पकाना छोड़िए, आगे जो आ रही है बहुत सारी वैकेंसी, जैसे रेलवे आ रही है, जो आपका रेलवे तो बुरांजा ऑफर दे रही है अभी, इस बार कितना वैकेंसी शायद कभी हिस्ट्री में नहीं आया होगा, उतना वैकेंसी आ रही है ना। जैसे ग्रुप डी ले लीजिए, बहुत सारी वैकेंसी, आरआरबी एनटीपीसी, ये तो बहुत सारी है ना, मैं गारंटी के साथ इसका ले रहा हूँ कि एकदम आपका फोड़ फाड़ के तैयारी, गारंटी दिया कि हो ही जाएगा आपका है ना। इस बार भी देखिए कितना अच्छा रिजल्ट हुआ, अच्छा ग्रुप डी में ले लीजिए या इसमें ले लीजिए, एनटीपीसी में ले लीजिए, सब में बहुत अच्छा रिजल्ट रहा आपका है ना। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग आने वाले, जैसे कि अब CHSL का ले लीजिए, इसका भी सिलेबस बहुत अच्छा कर दिया है ना, CHSL का सिलेबस जो है कि बहुत ही सुंदर कर दिया है। आप थोड़ा सा मेहनत अगर करें तो CHSL हो गया, CGL भी आप आराम से निकाल सकते हैं, समझे ना। और इसका MTS का तो अब तो और बल्ले बल्ले कर दिया है इसका सिलेबस में। तो अभी आने वाला जो है कि SSC हो गया, SSC के तीनों फेज वाले एग्जाम कर सकते हैं, RRB का कर सकते हैं, और आसाम का जो है कि डायरेक्टरी से जो भी सवाल सब आ रहे हैं, अभी जो भी वैकेंसी आया हुआ है, बहुत अच्छा सा वैकेंसी आ रही है, जो हमारे सरकार आप युवा पर बहुत ध्यान दिए हैं। तो आप लोगों को भी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि इसको नहीं गंवाएं, और आशा करते हैं कि आप लोग आगे सतत प्रयास करते रहेंगे, और जैसा जो कि धमाका हर एक बार होता है उसी तरीका तरह हम धमाका करते रहेंगे। चलिए, तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
इसके बारे में एग्जैक्ट कटअप मैं आप बाद में डिसाइड करूंगा, जो कि डाटा मिलने पर, ठीक है? तो थैंक यू, वॉच करें, धन्यवाद।